कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप सिंगल वेंडर का वेबसाइट प्लस मोबाइल ऐप इसके साथ साथ रिव्यूएबल एप्लीकेशन चाहते हैं तो एक बेहतरीन से खूबसूरत से लेआउट के साथ मैं लेकर आया हूं। इसमें आपको रेफर एंड अर्न्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का लुक है, फ्रंट लुक है कि इसमें अभी ये सिर्फ सैम्पल्स वेबसाइट्स हैं। डेमो दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया। तो चलिए हम सबसे पहले हम इसका देखते हैं ऐप लुक किस तरीके से होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो होगा ऐप पे ही होगा। तो चलिए ये हम देखते हैं, यहाँ पे ऐप है कि इस टाइप से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ऐप है। इस टाइप से आपको ऐप मिलेगा और यहाँ पे सबसे पहले आपका जो होम स्क्रीन होगा, होम स्क्रीन घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका होम स्क्रीन होगा। होम स्क्रीन में केवल सिंपल सा ऑप्शन एक सर्च बार है कि आपका यहाँ पे एक ऐड का लगा सकते हैं, फिर स्लाइड रहेगा, फिर आपका कैटेगरी रहेगा, इसके बाद का प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह रहेगा, सारे प्रोडक्ट्स टाइप के रहेंगे। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स आगे इस तरह से आपको दिखेगा प्रोडक्ट्स। आप इसमें अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, वेरिएशन मैनेज कर सकते हैं, और इसके अलावा का विश लिस्ट का सिस्टम है, इसमें आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन के मैनेजमेंट कार्ड का इसमें ऑप्शंस हैं, आपको अपने कार्ड के अपने हिसाब से इसको मैनेज करना चाहें, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, इस तरह से आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट व्यू बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा प्रोडक्ट व्यू आपको दिखेगा इस टाइप से। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं या सिमिलर प्रोडक्ट्स अगर आपको देखना हो तो वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। इस तरह से फीचर्स के इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे फीचर्स। यहाँ पे आप बिल भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से इजिली बिल निकाल सकते हैं, और छोटी वाले मशीन से जो बिल होता है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा टाइमिंग सिस्टम आपके इसमें रहेगा। ये सारी चीज़ें अभी हमें ऑन बन करके हम देखने वाले हैं। मैं आपको रिव्यू दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से आपका रहेगा होगा। यहाँ पे आप ऑर्डर टाइम देख सकते हैं कितना, ये इस तरह से आपका ऑर्डर का टाइम चलेगा, टाइम स्लॉट होगा कि कितने ऑर्डर आपके पास पहुँचा नहीं पहुँचा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर मल्टी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें स्लाइड्स भी ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं, साथ साथ सब कैटेगरी भी अवेलेबल है। ये कितना खूबसूरत इसमें डिज़ाइन दिया गया है। आप यहाँ पे के पीसेस वगैरह मेंशन करना चाहें, जो भी पीसेस हैं या फिर कलर्स हैं, इस तरह कलर्स वगैरह या पीसेस वगैरह जो भी आप मेंशन करना चाहेंगे आप मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल ईजीएस्ट है, इस तरह से प्राइस रेट है तो उसके अकॉर्डिंग आप रेट इसको मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल लॉगिन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से क्या आप ईमेल से भी लॉगिन किया जा सकता है। इस तरह यहाँ पर आपका रिलेवेंट प्रोडक्ट, लोएस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। मल्टी कैटेगरी के अंदर ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मल्टी कैटेगरी के अंदर ये सब कैटेगरी है। ठीक है, ठीक है, आप देखें कितना खूबसूरत सा ऐप है। ये आपका ऐप का एग्जाम्पल्स ऐप है कि इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह का ये ऐप आपको दिखेगा। ये आपका ऐप का होम पेज है, आप जितना भी प्रोडक्ट इसे मेंशन करना चाह रहे हैं आप उसमें आराम से इजीली इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, ये आपका एक खूबसूरत सा आपका यहाँ पे होम स्क्रीन आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आपको होम स्क्रीन मिलेगा, यहाँ पे आप रिफर फ्रेंड का भी ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल है। इस तरह से कार्ड का, नोटिफिकेशन का, ट्रैक का सिस्टम बड़ा अच्छा और खूबसूरत सा ट्रैक का सिस्टम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रैक का सिस्टम के लिए आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हैं, ये इस प्रोसेस से अकॉर्डिंग आप आराम से इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं वो आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप मल्टी वेरिएशन आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप मल्टी वेरिएशन 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इस तरह से प्राइस अगर मैंशन करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ऑप्शन है। इसके अलावा आपको होम पेज में आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी, इस तरह का बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगी। कैटेगरी का ऑप्शन है, इस कैटेगरी के अंदर के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, सब कैटेगरी का, सब कैटेगरी का भी ऑप्शंस आपको यहाँ इस तरह से आपको दिखेगा। ये वेरिएशन रहेगा, आप इस तरह से वेरिएशन इसको मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल इजी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ये सारे सब कैटेगरी हैं, मेन कैटेगरी हैं। इस मेन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को आराम से इजीली इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ठीक,
इसके अलावा का हम का बात कर लेंगे, अगर इसकी फेवरेट की फेवरेट आप किसी भी इमेज को, किसी भी पोस्टर को, की चीज़ों को आप इमेज फेवरेट में लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट्स की बात कर लें कि जो प्रोडक्ट्स का ऑर्डर किस तरीके से होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ अगर आप देखना चाहें, बिल्कुल ईजी है, सिंपल ऑप्शन है। आप यहाँ पर बस क्लिक करें, आपका ये प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, या आपका प्रोडक्ट एड लिस्ट में आ चुका है, इसको आप चेकआउट करेंगे, सिंपल ऑप्शन से अपना लॉग इन करेंगे, लॉग इन के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। साइन अप का ऑप्शन भी बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है कि आप साइन अप यहाँ पे मोबाइल से कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जैसे हमारा कोड है, यहाँ पे मैं इसको मोबाइल से साइन अप कर लेता हूँ। मैंने मोबाइल डाला, यहाँ पे मोबाइल में आपका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा ओटीपी, या फिर आपके मोबाइल में आ जाएगा ओटीपी। ये मोबाइल में देखा आ चुका है, देखा अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अपना सिटी चूज करेंगे, जो भी आपका सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पासवर्ड आ गया। यहाँ पे अगर रेफरल कोड, अगर किसी ने आपको रेफरल किया तो वो रेफरल कोड आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दें, जैसे सबमिट पर क्लिक कर दें ऐसा डिस्प्ले दिखा देगा। अब उसके बाद आप इसको क्या नाम है चेकआउट आराम से इजीली कर सकते हैं। ये आपका चेकआउट का ऑप्शन आ गया है। हाँ, यहाँ पे आप दो ऑप्शन हैं, आप इसमें चेकआउट कहाँ लेना चाह रहे हैं। अगर आपका ये लोकेशन इसी लोकेशन पर लेना तो वो ले सकते हैं, या फिर होम पे लेना चाहे होम पे ले सकते हैं, वर्क पे लेना है, ऑफिस वगैरह पे, या माई लोकेशन पे लेना चाह रहे हैं, लोकेशन ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा, करंट लोकेशन ये डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसके अलावा आप प्रोमो कोड अगर आपके पास कोई अप्लाई करना है तो आप प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। इसके बाद आप कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आज लेना है डिलीवरी या कल लेना है। अगर आपको आज लेना हो तो आपको इस तरह से आज का टाइम स्लॉट आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अब ये तीन टाइम स्लॉट है, इनमें से एक टाइम स्लॉट अभी खाली है, सिर्फ इवनिंग का 5 से लेकर 9 बजे तक का टाइम स्लॉट अभी खाली है। तो ये अगर आप ये कल लेंगे तो कल के इसमें तीन टाइम स्लॉट आपको दिख जाएगा कि 9 से 1 PM तक एक टाइम स्लॉट है, आफ्टरनून का 2 से 5 PM का एक टाइम स्लॉट है, 5 से 9 PM का एक टाइम स्लॉट है। तीन तरह का टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास वॉलेट का सिस्टम है, वॉलेट का सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है। वॉलेट में अगर आपका बैलेंस है तो आप वॉलेट इसमें कर सकते हैं, ये भी चीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है, कि इसका ब्राउज़र पे का ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह से आप जो इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन था। इसके अलावा आप ट्रैक करना चाहे ट्रैक कर सकते हैं आराम से, इजीली उसको ट्रैक करना चाहें बिल्कुल ईजिली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएंगे आपका क्या नाम है वॉलेट सिस्टम में, कि यहाँ पे आपका डिलीवरी बॉय का जो एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन किस तरह से दिखेगा, ये आपका डिलीवरी बॉय का एप्लीकेशन होगा। इस टाइप से आप डिलीवरी बॉय का एप्लीकेशन आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इस टाइप से डेमो पर्पज से है, इसलिए मैं आपको डिलीवरी बॉय के डेमो पर्पज से चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर्स हैं वो आप देख सकते हैं, जितना भी ऑर्डर्स आपका आया हुआ है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या नाम है अपना प्रोफाइल मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोफाइल है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री डिलीट कर देखना चाहें कि बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें किसी को रिक्वेस्ट डालना चाहें, रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं इसमें आराम से, ईजिली रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हाँ, तो विदड्रॉ अमाउंट का डाला जा सकता है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जैसे ही कोई कस्टमर का इसमें का ऑर्डर करेगा, और स्टोर ऑनर जब जैसे असाइन करेगा डिलीवरी बॉय को तो डिलीवरी बॉय के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी, लॉग आउट का ऑप्शन है। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, अगर कोई जैसे कि आप जैसे अभी मान लीजिए अभी 182 ऑर्डर्स आया हुआ है तो आपके किसी ऑर्डर्स को डिलीवर करना है तो वो डिलीवर आप देख सकते हैं किस तरह से, कोई डिलीवर नहीं हुआ है, कोई शिफ्ट हुआ है, कोई कैच हो चुका है, तो इस तरह का जो मेंशन आपका ऑलरेडी आ जाएगा। जैसा अभी कि ये अभी के प्रोडक्ट शिफ्ट हुआ है कि शिपिंग में ले चुका है लेकिन अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो ये देख सकते हैं डायरेक्ट कस्टमर जो है कि इसको डायरेक्ट कस्टमर को कॉल कर सकता है डिलीवरी बॉय, उसका एड्रेस ऑलरेडी उसके ऊपर मेंशन है, लेकिन उसका बावजूद अगर वो कॉल करना चाहे तो कॉल कर सकता है, या फिर उसका डायरेक्ट अगर वो ये चाहे कि यहाँ पे देखना चाहें कि मैप में देखना चाहें कि मैप से लोकेशन फाइंड करना चाहें तो डायरेक्ट मैप से लोकेशन फाइंड कर सकता है, देख सकता है कि उसका लोकेशन कहाँ पर है, किस टाइप से इधर जा रहा है लोकेशन, तो कस्टमर का लोकेशन का वो आपका फाइंड कर सकता है।
डिलीवरी बॉय डिलीवरी बॉय। इसके अलावा के ये डिलीवर जो करने वाला है वो जो इसमें मेंशन कर सकता है कि ये डिलीवर हुआ है नहीं हुआ है या प्रोसीड में है या रिसीव हो गया रिफंड हो गया जो भी इसका ऑप्शन है वो अपडेट आराम से स्टेटस वो अपडेट कर सकता है। इस तरह से जो डिलीवरी हो चुका ऑलरेडी उसका स्टेटस आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस आपको दिखेगा डिलीवरी जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये रहेगा आपका दोनों ऐप के जो फीचर्स था वो दोनों ऐप के आपको फीचर्स मैंने आपको बता दिया। सेम इस तरह से वेबसाइट के फीचर्स आपको ऑलरेडी के सेम एज इट इज वही है कि जो इसमें वेबसाइट के फीचर्स हैं। ठीक, इसके अलावा हम चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ। हम एडमिन पैनल अगर हम देखेंगे तो इसमें एडमिन पैनल आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो है कि डिलीवरी बॉय के तौर पर एडमिन यूज कर सकते हैं, दूसरा एडमिन आपका मेन एडमिन होगा। तो दो एडमिन आपको वेब एडमिन भी आपको दो मिलेगा। यानी आप अगर एडमिन डिलीवरी बॉय एप्लीकेशन का मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो आप एडमिन से मैनेज कर सकते हैं और साथ साथ जो है आप डिलीवरी बॉय का जो एडमिन है वेब एडमिन है उससे भी मैनेज कर सकते हैं। यानी डिलीवरी बॉय का दोनों तरह से ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल में मैनेज करना चाहें मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं और अगर आप वेब से मैनेज करना चाहें वेब से ही मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले डिलीवरी बॉय का ही दिखा देता हूँ। अगर वेब से आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो वेब से मैनेज करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, वही प्रोसेस जो मैंने अभी ऐप में आपको दिखाया सेम वही प्रोसेस। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शंस मिल जाएगा, रिफंड का ऑप्शंस मिल जाएगा, ये सारी का ऑर्डर्स वगैरह रिफंड्स वगैरह जो भी केस में दिया हुआ है ऑलरेडी सो मेंशनड है। आप इन चीज़ों सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ तक ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ, प्रोसीड है, शिपिंग है, कैंसिल हो गया, जो भी इसका प्रोसीड है प्रोसेस होगा, स्टेटस होगा वो अपडेट कर देगा डिलीवरी बॉय ऑनर। तो उसके बाद जी यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका क्या एडमिन पैनल की। तो एडमिन पैनल का बहुत इंपॉर्टेंस है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा। तो एडमिन पैनल बड़ा खूबसूरत सा एडमिन पैनल आपको मिलेगा। इस तरह से आपका डैशबोर्ड मिलेगा क्या यहाँ पे, और ये डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आप इसमें काम कर सकते हैं, इजीली इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कि ये एक डैशबोर्ड बड़ा खूबसूरत सा है कि यहाँ पे आपको ऑर्डर कब मिल जाएगा, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कितने कस्टमर्स है वो मिल जाएगा, और डेली वीकली के जो भी अपडेट्स है वो ग्राफ की शक्ल में बन जाएगा, या जो नया ऑर्डर आएगा जो लेटेस्ट ऑर्डर होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में कोई इंक्वायरी देखना चाह रहे हैं या फिर कोई ऑप्शन इसमें है या पेमेंट उसका नहीं हो पाया है कुछ ऐसा है तो इसमें सारी चीज़ें आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ उसको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं, अगर उसके पास नहीं आया है तो बंदे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आप देखें कितना खूबसूरत सा इनवॉइस जनरेट आपको मिल जाएगा, ये बड़ा खूबसूरत सा इनवॉइस है। ये इनवॉइस आप अपने के जो भी कंप्यूटर्स हैं लैपटॉप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स आप इसको निकाल सकते हैं इनवॉइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप ऑर्डर की बात कर ले तो ऑर्डर में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा ऑर्डर्स में। तो ऑर्डर्स में आपको यहाँ पे उसका नाम, मोबाइल नंबर, टोटल चार्ज, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज है, टैक्स कितना है, डिस्काउंट कितना है, प्रोमो कोड अगर इन्होंने यूज़ किया वॉलेट में, वॉलेट यूज़ किया क्या किया है, जो भी उनका वॉलेट यूज़ किया या मेंशन किया या फिर टाइमिंग क्या है उसका सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, टाइमिंग किस टाइम स्लॉट में उन्होंने बुक किया नहीं किया वो टाइम स्लॉट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरह से कैटेगरी आप अनलिमिटेड मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें मेन कैटेगरी है ये, और मेन कैटेगरी के बाद आप उसमें सब कैटेगरी भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप ग्रोसरी है, ग्रोसरी के अंदर के बहुत सारी कैटेगरी हैं, उस तरह कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से क्लॉथ हैं, हर तरह का प्रोडक्ट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे क्लॉथ हो या ग्रोसरी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या किसी भी टाइप का अगर आइटम है तो वो आइटम आप आराम से इसमें मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट आप सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आप इसमें साथ साथ मैनेज प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, मल्टी प्रोडक्ट भी ऐड करना चाहें, बल्क में अपडेट करना चाहें अपडेट कर सकते हैं, टैक्स अपडेट करना चाहें, प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स का अगर देखना चाहें कितने प्रोडक्ट्स उसमें ऑर्डर्स आए हुए हैं नहीं आए हुए हैं वो सारी चीज़ें इसमें मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, हाँ बिल्कुल इजी ऑप्शन है। अगर तो देख लें अगर प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड होगा तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालेगा, यहाँ पे टैक्स डालेगा, टैक्स कितना 12%, 18%, 5% जो भी टैक्स है तो टैक्स अमाउंट यहाँ पे डालेगा। उसके अलावा ये पैकेज है या लूज में है या जो भी है, पैकेट में है तो पैकेट में डालेंगे, लूज में है तो लूज में डालेगा, जो भी है जैसा भी है। तो लूज में आपका किलो का ऑप्शन आ जाएगा, ग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, लीटर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर पैकेट है वो जैसे कि क्लॉथ वगैरह में अगर आपके पास पैकेट रहता है कि 1 पैकेट 2 पैकेट इस तरह का आप वो चीज़ कर सकते हैं, या फिर साइज़ का है तो क्लॉथ के लिए यहाँ पे साइज़ वगैरह का बढ़ाना पड़ेगा आपको, साइज़ कलर्स इस तरह की चीज़ें इसमें ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राम जो भी हैं, जो मेन आपका ग्रॉसरी के लिए है या मीटर वगैरह का भी सिस्टम इसमें अवेलेबल है, ठीक है। जीएम का, लीटर से, एमएल का, पैक, पीसी, ठीक है। इस तरह से आपका रेट है, यहाँ पे वेरिएशन या मल्टी वेरिएशन आप डालना चाहे मल्टी वेरिएशन आप डाल सकते हैं, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, इस तरह के जो मल्टी वेरिएशन है वो वेरिएशन डाल सकते हैं। इसमें स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, जो कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है नहीं है वो मैनेज कर सकते हैं। यूनिट प्राइस, इसमें यूनिट कौन से यूनिट है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे अवेलेबल है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं, अगर सोल्ड हो गया तो आप इसमें एज ए सोल्ड मैंशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी मैनेज किया जा सकता है, यहाँ पे आपका सब कैटेगरी मैनेज करेंगे आप। जैसे कोई भी कैटेगरी है उस कैटेगरी अंदर सब कैटेगरी अगर अवेलेबल है तो सब कैटेगरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सब कैटेगरी मैनेज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप किस तरह से होगा, प्रोडक्ट टाइप मैनेज किया जा सकता है कि ये वेज है, नॉन वेज है, जो भी है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रॉसरी के लिए बनाया गया इसलिए इसमें नॉन वेज वेज में भी आकर मैंशन करना चाहिए मैंशन कर सकते हैं। मैनुफेक्चरिंग डेट एंड मेड इन इंडिया, इस तरह की चीज़ें वो भी कर सकते हैं। ये रिफंडेबल प्रोडक्ट है या नहीं, अगर रिफंडेबल नहीं है तो इसको नॉन या कैंसिल करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, अगर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर होगा तो आप इसमें बता दीजिए कैंसिल में ये कैंसिल किया जा सकता है, अगर नहीं है तो इसमें क्या ऑप्शंस आप उसको हटा दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं, जो भी इमेजेस आप इसमें ऐड करना चाहें, 2-3 इमेजेस ऐड करना चाहें वो इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन अगर ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल इजी ऑप्शन से, सिंपल ऑप्शन से। इस तरह से बल्क में अपलोड करना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल आप बल्क में अपलोड करना चाह रहे हैं, चाहे जो प्रोडक्ट्स हों या वेरिएशंस हो, जो भी आप बल्क में अपलोड करना चाह रहे हैं वो आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक बल्क अपडेट्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ऑप्शंस एक ही तरह का है। इस तरह से होम स्लाइड, जो आप होम स्क्रीन में स्लाइड देख रहे हैं वो स्लाइड, जैसे अगर आप मोबाइल में डेस्कटॉप पे अगर वेबसाइट देखा तो यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखेगा और आपको जो कि होम स्क्रीन में दिखाएगा, तो उसके बाद है कि यहाँ पे जो मैंने मोबाइल में दिखाया आपको होम स्क्रीन, उसमें आप ये भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी होम स्क्रीन आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे बात कर लें कि न्यू ऑफर्स को, नए ऑफर्स डालना चाह रहे हैं तो नए ऑफर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका वो आपकी इच्छा है। इस तरह से कोई प्रोमो कोड आप डालना चाह रहे हैं, प्रोमो कोड बनाना चाह रहे हैं, वैलिड इन वैलिड, जैसे कोई ऑफर्स देना चाह रहे हैं तो वो उस ऑफर्स को लिमिटेड टाइम तक आप इस प्रोमो कोड आप अपने ऐप में अपने कस्टमर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा फीचर सेक्शंस, जो आप होम पेज में बहुत सारे फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं वो आप फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कस्टमर्स के नोटिफिकेशन है, कस्टमर का ट्रांजेक्शन किया है नहीं किया है, कितने कस्टमर्स हैं, कस्टमर सारे डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं नहीं हुए हैं और कितने वॉलेट में ट्रांजेक्शन हुए हैं, कितने कस्टमर का, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या नाम है क्या वहाँ पेमेंट का रिक्वेस्ट की बात है, अगर आप कोई बंदा इसमें पेमेंट अभी नहीं किया तो उसका पेमेंट रिक्वेस्ट वगैरह आप डाल सकते हैं, या विदड्रॉ करना चाहें या रिटर्न करना चाह रहे हैं, इस तरह से पेमेंट रिक्वेस्ट इस तरह, और आपका डिलीवरी बॉय का भी पेमेंट रिक्वेस्ट अगर कोई आया हुआ है तो उसका वहाँ का भी मैनेज किया सकता है। इस तरह से रिटर्न रिटर्न क्वेश्चन, अगर किसी ने रिटर्न का कोई क्वेश्चन वगैरह डाला है ये रिटर्न होना चाहिए नहीं, उसके बारे में आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका था विदड्रॉ क्वेश्चन, विदड्रॉ रिक्वेस्ट, अगर किसी ने विदड्रॉ की रिक्वेस्ट डाली हुई है यानी आपका मल्टी के मल्टी अगर सिटी में सिटी सेक्शन में मल्टी ऑनर्स हैं, मल्टी डिलीवरी बॉयज, उनको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। इस तरह से डिलीवरी बॉय का है, डिलीवरी बॉय मैनेज करना बड़ा ईजी है और ईजी ऑप्शन से, और कोई भी डिलीवरी बॉय को अपना यहाँ पे अपना नाम और अकाउंट नंबर जो भी उसके अकॉर्डिंग है डिलीवरी बॉय का इसमें सिस्टम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिलीवरी बॉय का इसमें सारे चीज़ें मैनेज कर सकता है, बिल्कुल इजी ऑप्शन से मैनेज करना चाहे मैनेज कर सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेंड नोटिफिकेशन, आप किसी को नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं, चाहे आप कैटेगरी का नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं या सब कैटेगरी का भेजना चाह रहे हैं, वो आप इजीली अपने कस्टमर्स को नोटिफिकेशन आप भेज सकते हैं। इस तरह सिस्टम का है यहाँ पे कि ये आपका प्रोसेस या डेवलपर का प्रोसेस है, इसमें आपका नाम, पेमेंट वगैरह जो भी पेमेंट मेंशन है, आप पेमेंट वगैरह सीओडी का ऑप्शन से पेपाल है, इसमें रोजर पे है, पेओ मनी है, तो बहुत सारे आपको पेओ मनी मिल जाएगा, पेमेंट गेटवे का मिल जाएगा, आप ये पेमेंट गेटवे कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल भी है और नेशनल भी है, दोनों तरह के सिस्टम्स इसमें अवेलेबल हैं। मल्टी करेंसी भी इसमें अवेलेबल मिलेगा आपको, मल्टी लोकेशन से मिलेगा,
आप कोई भी इसमें डॉलर का ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जैसे कि INR का चार्ज है तो INR की जगह हम इसमें डॉलर का भी कह सकते हैं। USD ये यहाँ पे आपका USD है तो USD का इसमें USD कह सकता है। वो आपके ऊपर इच्छा है कि आप इसमें कौन सा लेना चाह रहे हैं चार्जेस, तो आप जो भी यहाँ पे आप ये आइकन डालेंगे वो आइकन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया गया इसमें। मल्टी सिटी का ऑप्शन से क्या सिटी चूज़ कर सकता है, लोकेशन या एरिया वाइज आप इसको मैनेज कर सकते हैं। दो तीन एरिया में अगर मैनेज करना हो तो दो तीन एरिया में भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से रिपोर्ट है क्या, सेल्स रिपोर्ट कितना है, इनवॉइस की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं वो आप इनवॉइस की रिपोर्ट, सेल्स की रिपोर्ट, वो सब कुछ आप यहाँ पे आराम से इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप ये इनवॉइस की रिपोर्ट है, आप ये इनवॉइस की रिपोर्ट आप इजीली इसको मैनेज करना चाहें आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा एक खूबसूरत सा सिस्टम है। इसके अलावा कि ये यूज़र सिस्टम के ये चीज़ें हैं कि यूज़र में कौन सी चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, जो चीज़ चाहिए आप उसमें मैनेज कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसमें आप उसमें हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन था, ये डिज़ाइन को आपने देखा। हाँ, ये अगर आप बनवाना चाह रहे हैं या फिर इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हेल्प हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।